हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट ऑक्सीडेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन पे फिलहाल मैं आपके साथ 5 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स देखे भी होंगे, और इन सारे लेक्चर्स के, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो नोट्स हैं, जो स्टडी मटीरियल है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। ओके, अब देखिए ना, आज के लेक्चर पर अगर हम बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर टॉपिक तो अगेन हमारा सेम रहने वाला है, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। लास्ट के 5 लेक्चर से हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन ही देख रहे हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट। ओके, आज भी हमारा लेक्चर सेम रहने वाला है, आज भी हम लोग एल्कीन का ही ऑक्सीडेशन देखेंगे, बट एक नए रिएजेंट के थ्रू, एक नई प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब आज कौन सी प्रोसेस पढ़नी है हमने? आज हमने पढ़ना है ओजोनोलाइसिस। तो देखो, नाम से तो सभी को क्लियर हो रहा है, ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन के थ्रू होने वाला लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है क्लीविज। तो जब भी ओजोन के थ्रू कहीं पर लाइसिस होता है, क्लीविज होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। तो इस ओजोनोलाइसिस से भी क्या है, हमारा एल्कीन ऑक्सीडाइज होता है, वो हमने आज के लेक्चर पे पढ़ना है। ओके, तो देखो, बहुत आसान सा लेक्चर है, आप जस्ट सुनते रहिएगा, थ्योरी के थ्रू मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। बाकी जितनी भी मैकेनिज्म वगैरह है, उसकी यहाँ पे नीड नहीं होती है, बिकॉज देखो ना, आपके एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आते हैं, वो 2 तरीके से आते हैं। आइदर आपसे डायरेक्टली ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे, बिकॉज ओजोनोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो एल्कीन है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और आपके सिलेबस में सिर्फ डायरेक्ट लिखा होता है एल्कीन का ऑक्सीडेशन बताओ, तो ओजोनोलाइसिस इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस पे पूछ सकते हैं। ओके, या फिर आपको, जैसे मैं पहले बोलती आ रही हूँ, जैसे आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे देंगे, आपको एल्कीन दे देंगे, रिएक्शन कंडीशन में ओजोनोलाइसिस के जो रिएजेंट होते हैं उनको दे देंगे, और आपसे बोलेंगे प्रोडक्ट बनाओ, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने प्रोडक्ट बनाना है और क्या क्या मटेरियल आपने ऐड करना है। ओके, तो सुनते रहिएगा, बहुत आसान सा लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करेंगे ओजोनोलाइसिस होता क्या है, ठीक है? तो हम डिफाइन करेंगे ओजोनोलाइसिस को। ये बोल रहा, देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, ओजोनोलाइसिस मतलब लाइसिस होगा, क्लीविज होगा, किसका होगा, एल्कीन का ही तो होगा, और किसकी वजह से होगा, ओजोन की वजह से होगा। तो यहां यही लिखा हुआ है, ओजोनोलाइसिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीविज ऑफ एल्कीन बाय द ओजोन। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है ओजोनोलाइसिस आपकी वो रिएक्शन है जिसमें आपका जो एल्कीन है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेटिव क्लीविज होती है। किसकी हेल्प से होती है? ओजोन की हेल्प से होती है। और रिएक्शन में भी वही इंडिकेट किया हुआ है, ये पहला स्टेप है, ये बोल रहा है आपके पास एल्कीन है, रिएक्शन कंडीशन में आपने लिया अपना ओजोन, ओजोन की हेल्प से क्या होगा, एल्कीन में ऑक्सीडेटिव क्लीविज होगा, और ऑक्सीडेटिव क्लीविज के बाद आपको एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, विच इज ओजोनाइड। ओके, अब ये जो ओजोनाइड है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो पहले स्टेप में हमको ओजोनाइड इंटरमीडिएट मिलता है। ओके, अब ओजोनाइड इंटरमीडिएट में भी फर्दर क्लीविज होता है। अब ये फर्दर क्लीविज देखो 2 टाइप का होता है, आइदर ऑक्सीडेटिव क्लीविज होगा, आइदर आपका रिडक्टिव क्लीविज होगा। ओके, तो जब भी आप इसमें फर्दर ऑक्सीडेटिव क्लीविज कराएंगे, अगर आप ऑक्सीडेटिव क्लीविज करा रहे हैं, तो आफ्टर ऑक्सीडेटिव क्लीविज आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ओके, और जब आप इसमें रिडक्टिव क्लीविज कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइदर कीटोन होगा या फिर आइदर एल्डिहाइड होगा। क्लियर हुआ? तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि हमको आफ्टर क्लीविज हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इसी को हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। इसमें पूरे स्टेप के अंदर यही होना है, बाकी हम लोग नई नई रिएक्शंस पढ़ेंगे, बट होना ओवरऑल यही है कि एल्कीन होगा, एल्कीन को हम ट्रीट करेंगे ओजोन के साथ, ओजोन की हेल्प से यहां पे क्लीविज होगा जिसकी वजह से इंटरमीडिएट बनेगा व्हिच इज ओजोन। ओजोनाइड में फर्दर क्लीविज होगा, ऑक्सीडेटिव होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, रिडक्टिव होगा तो आपका कीटोन या फिर एल्डिहाइड बनेगा, या फिर ओवरऑल हम बोल सकते हैं हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। इतनी चीज क्लियर है? अब पॉइंट्स के थ्रू समझना, अब आप रिएक्शन कैसे करनी है वो भी आपको समझ में आएगा। तो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है सुनेगा, पहला स्टेप में लिखा हुआ है द रिएक्शन इज यूजुअली कैरीड आउट बाय पासिंग ए स्टीम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ए 2-9% ऑफ अ ओजोन विद द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन ऑफ अ कंपाउंड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट सच एज CH2Cl है, ओके, Cl2 and CH3OH at or below the room temperature. This led to a formation of ozonide. तो बोल रहा है कि पहले स्टेप में ये जो ozonide intermediate का formation हुआ वो कैसे हुआ है? ये बोल रहा है आपने क्या करना है ना, स्टीम ऑफ ऑक्सीजन लेनी है। तो देखो हमने ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, स्टीम ऑफ ऑक्सीजन जिसके अंदर आपका 2-9% क्या होता है, ओजोन होता है, ठीक है? तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 2-9% ऑफ ओजोन है, और कहाँ लेना है, इन ए सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन ऑफ अ सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करना है, जैसे CH2Cl2 हो गया, CH3OH हो गया, और ये जो पूरी प्रोसेस है या फिर आप रूम टेम्परेचर पर करेंगे या फिर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर पूरी रिएक्शन करेंगे, और जैसे ये पूरी रिएक्शन फॉलो होगी तो आपको आपका इंटरमीडिएट यानी कि ओजोनाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, अब ओजोनाइड के साथ क्या होगा, ये बोल रहा है ओजोनाइड में फर्दर क्लीविज होगी, अगर ऑक्सीडेटिव क्लीविज होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा,
अगर रिडक्टिव क्लीवेज होगी तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अब एक और चीज ये बोल रहा है, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म डिपेंड अपॉन द मेथड यूज एंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। तो ये बोल रहा है जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेचर किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पर, कि आपने पहले तो कैसे मेथड का यूज किया है, दूसरा है आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके अब यहाँ पे देखो पूरी मैकेनिज्म की, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन पूरी मैकेनिज्म इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू पूरी मैकेनिज्म को समझा सकते हैं। ये बोल रहा है आपके पास इनिशियली एल्कीन था, रिएक्शन कंडीशन में आपने यहाँ पर को अपना सॉल्वेंट भी डाल लेना, रिएक्शन कंडीशन में हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ 2-9% हमने किसका लिया, ओजोन का लिया, ओजोन की हेल्प से क्या हुआ, लाइसिस हुआ इस डबल बॉन्ड का और ओजोनाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब ओजोनाइट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल टफ नहीं है, आपने क्या करना है कि दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एल्कीन के दोनों डबल बॉन्ड को आपने तोड़ा, उसके बाद हमको पता है किसकी हेल्प से तोड़ा, ओजोन, ओजोन में कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और आप यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखो, 2 वैलेंसी यहाँ पे चाहिए, 2 वैलेंसी यहाँ पे चाहिए, तो आपने क्या कर देना है सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, ओजोन में 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन यूज हो गए, तो ये जो स्पीसीज मिली इसी को हम बोलते हैं ओजोनाइट। ओके अब इस ओजोनाइट में ये बोल रहा है देखो इंडिकेट क्या हुआ है कि आइदर आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा सकते हैं, रिडक्टिव क्लीवेज। अब रिएजेंट कौन से वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिंपली दिखाया कि अगर आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तो हमको एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, अगर आप रिडक्टिव क्लीवेज करेंगे तो आइदर हमको हमारा एल्डिहाइड मिलेगा, आइदर हमको क्या मिलेगा हमारा कीटोन मिलेगा। ठीक है सॉरी आइदर हमको हमारा क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, ये आपको जस्ट इंडिकेट किया हुआ है। ओके अब प्रॉपर हम लोग रिएजेंट पे बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बोल रहा है, ये बोल रहा है द मेथड ऑफ रिडक्शन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ZnCH3COH, ऑल मे बी यूज्ड बट द बेस्ट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डाइमिथाइल सल्फाइड, यानी कि CH3 का होल था सल्फर रिएजेंट। ओके तो ये बोल रहा है जनरली जब भी हम रिडक्शन करते हैं हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन की बात करते हैं या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, यानी कि जहां पे हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो होता है, रिडक्शन तो होता है, बट किसकी हेल्प से होता है, कैटलिस्ट की हेल्प से होता है। ओके लेकिन इस केस में हमको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इस वजह से हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक नए रिएजेंट का यूज करते हैं, व्हिच इज डाइमिथाइल सल्फाइड, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस सल्फर। ओके अब इस डाइमिथाइल सल्फाइड की वजह से क्या होगा, हमारा जो ओजोनाइट है इसमें डायरेक्टली क्या होगा, रिडक्टिव क्लीवेज होगा। तो अगर आपको रिएक्शन करनी है, देखो आपको डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है जिसमें आपके पास एल्कीन है, एल्कीन के साथ साथ देखो ओजोन दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, और साथ ही साथ डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है, डायरेक्टली डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है, तो समझ जाना कि ये एक ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस है जिसमें आप जो क्लीविस कराएंगे अपनी ओजोनाइट का इंटरमीडिएट का वो कैसा कराएंगे, रिडक्टिव क्लीविस कराएंगे। रिडक्टिव क्लीविस कराना मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को एज अ प्रोडक्ट बनाना। ओके अभी तो मैं पूरी प्रोसेस के थ्रू दिखा रही हूँ, लास्टली अभी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कैसे करेंगे। ठीक है तो देखो ये क्या बोल रहा है, एल्कीन है रिएक्शन कंडीशन में, अगर देखो थ्योरी है तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है आप बोलेंगे आपके पास एल्कीन है रिएक्शन कंडीशन में, सबसे पहले आपने ओजोन लिया, अपना ऑक्सीजन लिया, सॉल्वेंट लिया, इस ओजोन की हेल्प से लाइसिस हुआ, मैंने बताया लाइसिस कैसे करना है, डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ना है और कैसे करना है, कार्बन के साथ यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन लगाना है, तो ये जो स्पीसीज मिल रही है ये आपकी क्या होती है, ओजोनाइड। ओके रिएक्शन कंडीशन में अब आप अपने रिएजेंट देखो कि डाइमिथाइल सल्फाइड है, तो सबको पता है ये एक टाइप का कैसा रिएजेंट है, किसके लिए, रिडक्टिव क्लीविज के लिए, और रिडक्टिव क्लीविज के बाद ये क्या बनाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। ओके अब एल्डिहाइड और कीटोन बना कैसे, इससे ऐसा एल्डिहाइड और ऐसा कीटोन कैसे बना, अब देखो इसको अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो मैकेनिज्म से आपको आएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको करना है तो आप क्या कीजिएगा, आपने क्या करना है इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। ठीक है दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना, अगर आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो CH3CHO बनेगा, तो देखो बन गया ना CH3CHO, और यहां देखोगे CH3CH3C डबल बॉन्ड O, तो बन गया CH3CH3C डबल बॉन्ड O। तो देखो मैकेनिज्म की नीड ही नहीं है, थ्योरी आती है तो पूरा आप यही लिखिएगा, यहाँ तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन दी जाती है, तो उसमें भी आपको खोल के देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपने क्या करना है डबल बॉन्ड के दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना, आपको आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब आगे क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है द रिएजेंट, अभी बोल रहा है ये जो रिएजेंट है ना ये आपका स्पेसिफिक होता है एल्कीन के लिए। ओके जिस वजह से क्या होता है ये जो ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस है उसे मल्टीफंक्शनल कंपाउंड जैसे एस्टर, कार्बोनाइल कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग वहां परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अब आप इसे खुद से करके देखिएगा। देखो एग्जाम पहले थ्योरी पे लिखोगे तो पूरा लिखोगे कि आपके पास ये आपका एल्कीन है, एल्कीन आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं,
रिएक्शन कंडीशन में आपने सॉल्वेंट लिया, अपना ऑक्सीजन लिया, ओजोन लिया, इस ओजोन की वजह से क्लीविज हुआ। क्लीविज में क्या करना है, बोला था ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक साइड आपने सिंगल ऑक्सीजन लगाना है, दूसरे साइड आपने दो ऑक्सीजन, बिकॉज ओजोन में तीन ऑक्सीजन होते हैं, तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा, दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखो रिएक्शन कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ, अगेन CH3 का होल ट्वाइस सल्फर, यानी कि यहाँ पर रिडक्टिव क्लीविज होगी। रिडक्टिव क्लीविज के बाद आपको क्या मिलेगा, कीटोन और आपका एल्डिहाइड। तो देखो दोनों साइड आपको कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिला। ओके, अब ये दोनों साइड कीटोन ही क्यों बना, एल्डिहाइड क्यों नहीं बना, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, आपने क्या करना है, देखो मिलेगा तो कीटोन या एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल सकता, लेकिन ये बना कैसे, उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने इस डबल बॉन्ड को जैसे मैंने पहले बोला तोड़ देना है और दोनों साइड लगा देना है ऑक्सीजन। ओके, देखो ये था, इसको अगर हम तोड़ के देखें और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा रहे यहाँ भी यहाँ भी, तो देखो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके दो मिथाइल ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप है वो, ठीक है, तो ये भी आपका कीटो बन गया और यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लगाया तो ये स्पीसीज बन गई, तो प्रोडक्ट का भी कोई झंझट नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, अब आगे एक और चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है ना देखो यहाँ पे जो आपका ओजोन होता है जिसकी वजह से क्लीविज होता है, इसका अगर आप नेचर देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो यहाँ अप्रोच करने के लिए क्या मांगेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का बिहेवियर जो है वो कब अच्छा होगा, जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, जैसे आपका कोई अल्काइल ग्रुप है। तो वही चीज बोल रहा है कि ओजोन आपका क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये तब रिएक्शन को फास्ट करेगा जब आपके कंपाउंड में जो एल्कीन है इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि देखो इसका मतलब, देखो समझ में आ रहा ना, देखो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की ओर अट्रैक्ट होगा, कब अट्रैक्ट ज्यादा होगा, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा होगा, जब इसके पास ऐसे ग्रुप होंगे जो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो जो आपके अल्काइल ग्रुप होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अगर ये एडजेसेंट पोजिशन में लगा हुआ है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ डोनेट करेगा, स्पाई इलेक्ट्रॉन की ओर डोनेट करेगा, अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उससे अट्रैक्ट होगा, उतनी ही जल्दी आपकी रिएक्शन होगी, बस ये चीज बोला हुआ है। ओके, अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका एल्कीन जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब अल्काइल ग्रुप से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मोर अल्काइल ग्रुप वहां पे लगे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं मोर डोनेशन होगा, जितना ज्यादा डोनेशन उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, तो वही चीज है, तो हम बोल सकते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होगी, और जितना कम आपका अल्काइल ग्रुप लगा होगा उतनी कम आपके यहाँ पर को ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस में आएगी। इतनी चीज क्लियर है, अब रिएक्शन करके भी देख लो, देखो अब आप खुद से कर सकते हैं, आप अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं तो प्रॉपर दिखाएंगे ये आपका कंपाउंड है, रिएक्शन देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया हुआ है, अब आप इसे डायरेक्ट करना, रिएक्शन कंडीशन में O3 दिखाया हुआ है, आपको O2 भी यहाँ पर मिलेगा, आपको सॉल्वेंट मिलेगा और यहाँ पर रिएजेंट अगेन आपका क्या मिल गया, CH3 का होल ट्वाइस सल्फर। ओके, जो कि रिडक्टिव क्लीविज कराएगा सबको मालूम पड़ गया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे, ओजोनाइट वगैरह दिखाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा, हमने बोला इसको तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओगे तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा ना, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, तो बन गया CH3 सी डबल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है बिकॉज, तो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड आ गया, यहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड आ गया, तो ये चीज आपने यहाँ पर दिखानी है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो आगे भी अच्छा सा पॉइंट है, देखो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, देन मैं थ्योरी के साथ लेते हुए चलूंगी। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अगेन आपको क्या पहले इंडिकेट किया हुआ है पूरा, ये बोल रहा है आपके पास आपका एल्कीन है, सबको एल्कीन दिख रहा है। ओके, इस एल्कीन की रिएक्शन हुई किसकी प्रेजेंस में, हुई ओजोन था, ऑक्सीजन था और आपने अपना सॉल्वेंट किया था, तो हमको पता है इसमें क्या होगा, ओजोनोलाइसिस होगा, क्लीविज होगा और यहाँ पे ये ओजोनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सबने ओजोनाइट बना लिया होगा। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई, ये बोल रहा है आपके पास दो टाइप के रिएजेंट है आगे को रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, पहला रिएजेंट है आपका CH3 का होल ट्वाइस सल्फर, जो हम आगे से करते हुए आ रहे हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं, और दूसरा है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4, ठीक है, NBH जिसे हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, अब दोनों ही आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, लेकिन एक जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये नॉर्मल रिडक्शन करता है, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराता है। तो यहाँ पे भी दो टाइप के रिडक्शन होने वाले हैं, एक नॉर्मल रिडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो पहले आप नॉर्मल रिडक्शन की ओर चलो, स्ट्रॉन्ग को साइड छोड़ो। ओके, अब नॉर्मल रिडक्शन होगा तो सबको पता है मैंने क्या बोला था, कैसे निकालना, ये डबल बॉन्ड को आप क्लीव करो, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो,
यहाँ पे जोड़ोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, सीएचओ मिल जाएगा, और यहाँ पे जोड़ोगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा, सीएच टू डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, तो मिल गया, एल्डिहाइड ही मिलेगा या कीटोन ही मिलेगा, दोनों मिल गए आपको। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो आपका नॉर्मल रिडक्शन है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, तो सबको पता है स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे तो ये आपका रिडक्शन को यहीं पर स्टॉप नहीं होने देगा। हमको पता है डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस हो गया आपके एल्डिहाइड में, ठीक है। अब एल्डिहाइड भी तो फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ऐसा तो नहीं है एल्डिहाइड आपका सबसे ज्यादा रिड्यूस स्पीसीज होती है, इसके बाद रिडक्शन ही नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं है। ये तो फर्दर रिड्यूस हो सकता है, किसमें हो सकता है, ये आपका अल्कोहल में फर्दर रिड्यूस हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट का जब आपने रिड्यूस यूज किया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पार्शियल रिडक्शन आपका हुआ, जितने की आपको नीड थी उतना रिडक्शन आपका हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करने की वजह से ओवरऑल रिडक्शन हो गया, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, और यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी एल्कोहल में। तो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन आपको देखने को मिला, और ये चीज मैंने रिडक्शन वाले लेक्चर्स पे भी आपको बताई थी, क्लियर हुआ ना। अब देखो बाकी क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट था आई थिंक, इसे भी सुन लीजिए। अभी बोल रहा है इफ ओजोनाइट क्लीव्स अंडर ऑक्सीडेटिव कंडीशन देन कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू गिव अ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एज एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। तो ये बोल रहा है अब अगर आपने क्या किया, ओजोनाइट का फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्सीडेटिव क्लीविस किया, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, जैसे आपने जब रिडक्शन कराया था ना, तो आपको एल्डिहाइड मिलता था और कीटोन मिलता था, और अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बोल रहा है आपका ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन क्या करता है ना, ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये आपका एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे यही दिखा है, आपने अपना अपना एल्कीन लिया, रिएक्शन कंडीशन में वही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हुआ। अब देखो ओजोनाइड में कन्वर्ट होने के बाद पहले यहाँ पर रिडक्शन दिखाया हुआ, अगेन रिएजेंट वही है C3 का होल्ड बाय S सल्फर। तो रिडक्शन के बाद हमको पता है किस में कन्वर्ट होगा, आइदर एल्डिहाइड आइदर कीटोन में। तो आप इसे क्लीव करके देख लो, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कीटोन में बन गया, तो एक CHO बना एक कीटोन बना बना। अब ये बोल रहा है अगर अभी तो हमने रिडक्शन करा है, अब अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव क्लीविज कराएंगे ओजोनाइट के बाद ऑक्सीडेटिव क्लीविज कराएंगे, तो ये बोल रहा है आपका जो एल्डिहाइड है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने कुछ नहीं करना है, CH3CHO को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CH3COH में, बिकॉज एल्डिहाइड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब सेम चीज को आप रिडक्शन के बजाय ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं, ठीक है, H2O2 की प्रेजेंस में। ओके, अब दूसरा ये बोला आपका जो कीटोन होता है वो रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स किसके, ऑक्सीडेशन के, जिसकी वजह से कीटोन में कोई भी चेंज नहीं आता, कीटोन जो पहले था वही कीटोन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो कितना आसान है, कर लेंगे, तो रिडक्शन से ही हमने ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी हमारे निकाल ली, क्लियर हुआ ना। तो देखो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने की बात की, ओजोनोलाइसिस की बात की। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से बन सकता है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।